वर्क करने की नीड है। ये क्वेश्चंस आएंगे इस बार जरूर, 100% आएंगे, और इन पे आप जरूर वर्क करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो। कीवर्ड्स दे दिया था पहले, बैलेंस एंड अनबैलेंस। अब इन पे आपको दो आर्टवर्क बनाने थे जो कि रिप्रेजेंट करे बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली है जो ये वीडियो आप लोगों को मैं लेके आया हूँ। हमेशा से क्वेरीज रही है, सर निफ्ट का कैट सिलेबस क्या है, कैट पोर्शंस पे कैसे वर्क करें, और एग्जैक्ट में कैट पोर्शन पे क्या करना चाहिए। सो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेबस कितना ज्यादा चेंज हुआ है, कैसे आप लोगों को वर्क करने की नीड है, प्लस क्या क्या चीजों को है जो आपको ज्यादा फोकस करना है, सो दैट आपका निफ्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। सो चलिए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास आएगी। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यहां पे मैं स्टोरी के थ्रू प्लस रील्स के थ्रू बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं जो कि आपके जनरल नॉलेज में प्लस और भी जगह काम आ सकती है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। निफ्ट का सिलेबस क्या सच में चेंज हुआ है? अगर मैं सच में बताऊं गाइस कि क्या क्या चीजें चेंजेस आए हैं, आपको पता होगा कि एनटीए ने है जो ये एग्जाम कराना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज एनटीए? सो बेसिकली जो नीट का और आईआईटी का एग्जाम कराता है, इट्स अ नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसके थ्रू है जो इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी जो कि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम को बहुत सारे ऐसे हैं जो है जो कंडक्ट कराती है। सो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे पुराने सिलेबस थे उन पे बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसके मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछा जा सकता, वो पूछा जा सकता है, बट मेन मेन चीजें क्या हैं कि उन्होंने क्या क्या बदलाव करके रखे हुए हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस वो पूछे जा रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बेस्ड का मतलब यही होता है गाइज, जो आप डेली लाइफ में कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व की नीड है। अगर आप चल रहे हो, अगर आप बैठ रहे हो, अगर आप खा रहे हो, अगर आप रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या डिजाइन हो सकती है, कैसे ये बना होगा, प्लस मैकेनिज्म पे ज्यादा वर्क करिए, चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज जो उनकी एक्सपेक्टेशन है बहुत ही डिफरेंट तरीके से वो पूछे जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे। जैसे कि उन्होंने पिछले क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको अल्फाबेट प्लस रोमन कुछ अंक थे, प्लस आपके 1 2 3 ऐसे करके थे, और आई थिंक छोटा बड़ा वर्ड माला था। उनमें से आपको 2 से 3 या फिर 1 शेप को मैक्सिमम 3 शेप आप ले सकते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। एंड यू हैव टू डिजाइन ए पार्क, यू हैव टू डिजाइन ए स्कूल, यू हैव टू डिजाइन ए रेस्टोरेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको ऐसे है जो सिचुएशन में वो डाल देंगे कि कहीं ना कहीं आपका है जो क्रिएटिविटी निकल के आएगा, नहीं तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन छूट गए थे। और अगर हम बात करें सो पूरा पैटर्न क्रिएटिव हो चुका है। क्रिएटिव का मतलब ये होता है गाइस कि कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम पिंटरेस्ट एंड गूगल, यू शुड हैव योर ओन आइडियाज। क्योंकि अगर आपने पिंटरेस्ट से गूगल से कॉपी किया है तो आपके जैसे सेम बच्चे हैं जो करके आएंगे वहां पे कॉपी मैच हो जाएगा, जिसमें कि आपके नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो इस वजह से क्रिएटिव पोर्शंस पे वर्क करना स्टार्ट करो। दूसरा जो उन्होंने चेंजेस किया है, फ्यूचरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो मे बी इनको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में वो पूछ सकते हैं। मे बी फ्यूचरिस्टिक जैसे बात करें, पोस्टर डिजाइन आपको डिजाइन करना है, ठीक है, सेव द एनवायरमेंट, सेव द वाटर, या फिर आपको टी शर्ट डिजाइन डिजाइन करना है जिसमें कि आपका रिप्रेजेंट हो सेव द एनवायरमेंट, सेव द वाटर, सेव द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जू हो गया, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लस कोई ऐसा मशीन हो गया, या फिर वो आपको कोई एक प्रॉब्लम दे देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है फ्यूचरिस्टिक में, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल है जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगने लगा है, राइट, सो वो ऐसा कोई क्वेश्चंस दे देंगे कि किसी शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, सो ऐसा आप क्या सॉल्यूशन देंगे जिससे कि ट्रैफिक खत्म हो जाए। सो आपका अप्रोच ये होना चाहिए। अभी जैसे आपको पता है
कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं। घर बैठे बैठे इंसान हर एक चीज ऑर्डर कर रहा है। सो ऑब्वियस ही बात है, बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, ठेला हो गया, सो ऑलरेडी व्हीकल्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक आप उनको कैसे काम करोगे? सो फ्यूचरिस्टिक यूज यही हो सकता है कि आप वही सारी चीजों को कट करके, आपने देखा होगा अभी डोमिनोज का है जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि उसने है जो ड्रोन के थ्रू फूड इधर उधर पार्सल कराया जा रहा है, दैट इज द अप्रोच। अब और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकता है जिसकी वजह से वहां पे है जो ट्रैफिक है जो कम हो जाए? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन पे आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ उनके आंसर्स आपके रिप्लाई करने हैं, प्लस बहुत ही अच्छी तरीके से उनको है जो एक्सप्लेन करना है कि आप ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाओगे जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। प्लस गाइस कंपोजिशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बोल दिया गया कि भाई दो इंसान और दो कुत्ते के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, वो चार बॉक्सेस में आपको दिखाना है। अब वो कन्वर्सेशन क्या हो रही है? सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि कन्वर्सेशन में आप ड्राइंग बना के आओ, सबसे बड़ी बात ये है ऐसा कौन सा टॉपिक चूज करो जो उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, जिसमें कि है जो एग्जामिनर आपको जज करेगा कि आप कितने क्रिएटिव पर्सन हो। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल्सो गाइज मैंने ऑलरेडी आपको बताया ऑब्जर्वेशन इट्स अ प्रोसेस डिजाइन, आपको कुछ भी बोल देंगे। लाइक आप जानते हो सूज कैसे पॉलिश करते हैं चेरी के डिब्बे से, राइट? मैगी कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप की डीपी कैसे चेंज करते हैं, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है उसको कैसे करेंगे, चार प्रोसेस में। सो ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा नीड है, प्लस क्रिएटिव के साथ साथ आपको है जो ड्रॉइंग पोर्शन पे भी वर्क करने की नीड है, और प्रॉपर आपको हैचिंग आनी चाहिए, सेटिंग आनी चाहिए, बिकॉज आजकल वो ये मेंशन नहीं कर रहे हैं। पहले मेंशन कर दिया करते थे कि भाई आपको कलर करना है या पेंसिल करना है, अभी आपका चॉइस है आपको क्या करना है, क्योंकि जैसा टाइम मैनेजमेंट होगा वैसे करोगे, तो आपको दोनों में है जो प्रो होने की नीड है। एज वेल एज बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कीवर्ड बेस्ड है, जैसे कि कोई भी कीवर्ड दे दिया या फिर कोई मुहावरा दे दिया, ऑल ग्लिटर्स और नॉट गोल्ड, हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। अब आप बनाओ उसका, आप ट्रॉफी भी बना सकते हो, उसका आप पोस्टर डिजाइन भी बना सकते हो, उस कीवर्ड्स को आपको प्रूफ करना है। जैसे कि कीवर्ड्स दे दिया था पहले बैलेंस एंड अनबैलेंस, अब इन पे आपको दो आर्टवर्क बनाने थे जो कि रिप्रेजेंट करे बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस। अब आप कुछ भी दिखा सकते हो, बट बहुत से लोग हैं तराजू बना रहे हैं, सीसा बना रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच कि उनको कैसे वॉक करना है। सो दैट इज द ओनली रीजन गाइस कि मेरे पास प्रॉपर आपके पास 100 आइडियाज या फिर 1000 आइडियाज हैं एक ही क्वेश्चन की क्रिएटिव वे में कैसे रिप्लाई दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ नाइस रिजल्ट इन द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो। वी हैव 25+50+ बच्चे जो कि टॉप 5 में ऑलरेडी हैं, एंड टॉप 3 में भी हैव अ 25+ स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अपना है जो ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव पोर्शन उन्होंने निफ्ट क्रैक किया और वहां पे गए हुए हैं। सो इस वजह से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन मेरी फ्री लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे डेमो क्लासेस एंड फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस ऑल्सो, जहां पे आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा एग्जैक्ट में क्रिएटिविटी क्या होती है। वी हैव ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, सो वहां पे है जो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो एंड समझ सकते हो क्रिएटिव आइडियाज क्या होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन द ड्रॉइंग पोर्शन ओनली। उनको लग रहा है उनकी ड्रॉइंग अच्छी है तो निप निकल जाएगी, ये बहुत गलत मिथ है। ड्रॉइंग मैटर नहीं करती, आपके आइडियाज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो ये चेंजेस लाए गए हैं, प्रीवियस जो भी उनका बहुत पुराना सिलेबस था वो पूरा चेंज हो चुका है, सारा क्रिएटिव हो रहा है। अचानक से कुछ पूछा जाएगा और आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपने पढ़ा ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उन्हीं टॉपिक्स में से उन्होंने घुमा के क्वेश्चंस पूछा हुआ है और आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आ रहा है। सो उसके लिए आपका क्रिएटिव अप्रोच बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसी से रिलेटेड आप वर्क करो। नेक्स्ट वीडियोज में आपको प्रॉपर सिलेबस दूंगा कि एकदम हेडलाइन के साथ कि इन इन चैप्टर्स पे आपको वर्क करने की नीड है, ये क्वेश्चंस आएंगे इस बार जरूर 100% आएंगे और इन पे आप जरूर वर्क करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे घर पे करो या फिर किसी कोचिंग क्लासेस में करो, वो मैटर नहीं करता। बट आप कुछ भी कर रहे हो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो 2025 है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरे कंडक्शन क्लास चलते हैं, इंडक्शन क्लासेस चलते हैं जिसमें कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं, वहां पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप इस वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ऐसे प्यार दिखाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो, साल भर आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे, एंड कमेंट करके बताना मेरे वीडियोज कैसे अच्छे लगते हैं और आपको क्या क्या है जो इन्फॉर्मेशन की नीड है, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बना दूंगा और ऐसे ही आपको है जो
100% डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लिक द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑलरेडी ज्वाइन कर लो। और ऐसे ही है जो आप डिजाइनिंग फील्ड में इंटरेस्ट दिखाते रहो, मैं आपको सारी 100% सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।